शाम वो आखरी आज भी होके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल 28। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका और एक नया वीडियो लेके। इस वाला वीडियो पे मैं आप लोग कुछ इस टाइप का पॉपअप स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, काइन मास्टर ऐप की मदद से। तो वीडियो को पूरा देखते रहना बिना कोई स्किप के, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर आना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे काइन मास्टर ऐप ओपन हो जाएगा, आपको सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। इधर से आपका जो रेशियो आपको सिलेक्ट करना है, 60:9 रेशियो का आपको सिलेक्ट करना है, एंड क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल से इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इधर से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके पे क्लिक करना है। देन इसका जो ड्यूरेशन है आपको इस से बढ़ा देना है, ठीक है। देन आपको बैक चले आना है। अभी आपको करना क्या होगा, इधर आपको एक पिक्चर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और आपको जो जिधर आपको पिक्चर है वो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये वाला पिक्चर ऐड कर लूँगा, ठीक है। देन अभी आपको करना है कि इस टाइप से आपको हाथों से आपको इस टाइप का जो इसका साइज है बढ़ा लेना है, ठीक है। इतना तक रखना है, ठीक है। आप राइट साइड पे थोड़ा सा गैप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन ओके पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। देन अभी आपको करना क्या होगा, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, एंड इमेज वाला ऑप्शन पे जाके इधर से आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड आपको सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको करना क्या होगा, इस टाइप से आपको इतना तक रख लेना है, ठीक है। 90 इस टाइप से रोटेट कर लेना, इसका आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन करके, ठीक है। इसके ऊपर आपको सिंपल सिलेक्ट करना, एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से सिलेक्ट करके ये इस स्टेप से ले आना है, ठीक है। देन अभी आपको बैक चलाना है। देन अभी आपको करना क्या, इधर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। एंड अभी जो इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है लाइनर मक्स, ठीक है। वो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ऊपर की तरफ स्टोरेज वाला ऑप्शन पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप ऑप्शन देखा मार्क्स करके, ठीक है, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन इधर जो थर्ड वाला ऑप्शन है लाइनर मार्क्स, इसको आपको सिंपल से क्लिक करना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड ऑलरेडी है, ठीक है। देन इसको आपको लाइन और मार्क्स को सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा आपको सिंपल से बैक चलाना है, एंड इसको जो इसका जो सेटिंग है ये आपको सिंपल से ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड इसका जो फेदर है इस टाइप से आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। 25 रखना, तो मैं 30 रख देता हूँ, आप अपने हिसाब से रख देना, ठीक है। देन अभी इसका जो एंगल है आपको करना क्या होगा, 90 कर लेना है, ठीक है, प्लस 90, ठीक है। 90 हो जाने के बाद आपको इस टाइप से हो जाएगा। देन अभी आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ आपको आना है, ठीक है। इधर आपको एक इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर करके, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, एंड इसका जो कलर है आपको व्हाइट कर लेना है। देन ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या है कि इसको इस टाइप से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है। देन अभी आपको करना, अभी जो बैकग्राउंड मैंने लिया था ये ब्लैक व्हाइट, ये आपको इस टाइप से थोड़ा सा काम कर लेना है, ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं आपका जो अभी जो क्या है अच्छे से एडजस्ट हो गया है, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन अभी आपको करना क्या होगा, जो पिक्चर मैंने लिया है उसके ऊपर आपकी इफेक्ट डालना है। तो इफेक्ट डालने के लिए पिक्चर के ऊपर आप सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। इसके आपको लेफ्ट साइड में एक की वाला ऑप्शन दिखाया जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन आपको करना क्या होगा, आपको इधर तक आपको आना है, ठीक है, इधर तक। देन इधर आपको एक की लगा देना है, ठीक है। की लगाना हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो इमेज है वो आपको इस स्टेप से लेफ्ट की तरफ मूव कर लेना है, ठीक है। आप अपना हाथों से कर लेना लेफ्ट की तरफ, स्टेप्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना देर हो जाने के बाद आपको लास्ट पे आना है, एंड इधर आपको की लगा देना है, एंड पिक्चर को राइट की तरफ आपको मूव कर लेना है, ठीक है, इस स्टेप से, ठीक है। इतना तक हो जाने के बाद आपको बैक हो जाएगा, आपको अभी आपका इधर तक हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, आपका जो लिरिक्स है, ठीक है, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको लेयर पर ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ये जो वीडियो मैंने इधर यूज़ करूँगा लिरिक्स पहले, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो वीडियो मैंने काइन एलेट मोशन ऐप से बनाया, ठीक है, इसका मैंने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा हूँ, वो वीडियो आप देख लेना कैसे बनाते हैं, ठीक है। इधर हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, वीडियो को आपको सिंपल से क्लिक करना है, एंड नीचे की तरफ आपको आना है। अभी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग करके, इसके ऊपर आपको आना है, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई हो जाने के बाद आपको सिंपल से बैक चलाना है, ठीक है। अभी आपको हाथों से आपको स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला
अभी आपको अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप एक काम करना, आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड लिरिक्स, आपको बहुत सारे लिरिक्स मिल जाएगा, आप जो भी गाना बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। इतना दिन हो जाने के बाद आपको रख देना, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, आपका जो गाना जितना तक है उसके उसने हिसाब से आपको सभी ले आना है, ठीक है। इतना तक आपको बैकग्राउंड ले आना है एंड बाकी का जो पार्ट है पिक्चर को भी उतना तक आपको लास्ट तक ले आना है, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, अभी इसके ऊपर आपको एक पीएनजी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो पीएनजी आपको ऐड करना है। तो लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, ठीक है, वो वाला पीएनजी मैं ऐड कर लेता हूँ, ये वाला पीएनजी, ठीक है। आपको जो इधर है तो मैं इधर मेरा जो पीएनजी है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, इधर इस स्टेप से। देन आपको इसको भी लास्ट तक ले आना है, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या, आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका आईडी, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी आप इधर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो यूट्यूब नाम है वो मैं इधर ऐड कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको मैं जो पीएनजी है इसके नीचे स्टेप से थोड़ा सा कम करके स्टेप से एडजस्ट कर लूँगा। देन इसको भी आपको करना क्या होगा, इसको भी लास्ट तक ले आना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका जो वीडियो वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देन और एक पार्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पार्टिकल अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पार्टिकल आपको आपको करना क्या है, स्टेप से आपको रोटेट करना है एंड इसको स्टेप से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है, स्टेप से आप बढ़ा लेना, ठीक है। देन आपको नीचे की तरफ आना है एंड आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है एंड इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। जैसे स्क्रीन हो जाएगा आप देख सकते हैं इसका ऑपोजिट आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, इतना तक हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका जो अभी वीडियो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो रेडी होना हो जाने के बाद आपको सिंपल से करना क्या, ऊपर की तरफ जो शेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है एंड वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।